नमस्कार, क्रिएटिविटी विथ राधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम खसखस का हलवा बनाएंगे। खसखस को पोस्ता का दाना भी कहा जाता है। ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। इसे यदि न्यू मदर को दिया जाए तो ये बहुत फायदेमंद है। तो पौष्टिक गुणों से भरपूर हलवा हम बनाना शुरू करते हैं। खसखस का हलवा बनाने के लिए हमने 100 ग्राम खसखस के दाने लिए हैं और इसे पूरी रात पानी भिगोकर रखा था। सुबह होने पर इसे अच्छे से धुलकर और बारीक छन्नी से छान लिया है। 100 ग्राम शुद्ध देसी घी लिया है। 10 से 12 बादाम हमने पानी में भिगो दिया था रात में और सुबह होने पर पानी से बाहर निकाल दिया। कुछ बादाम की पीसेस को कतरी कर लिया है और इसे हम हलवे को गार्निश करेंगे। 1 कप दूध लिया है और 1/4 कप चीनी लिया है। अब हम भीगे हुए बादाम के छिलके निकाल देंगे। बादाम में बहुत से पौष्टिक गुण होते हैं। ये सर्दियों में गर्माहट तो पहुंचाता ही है, पर ये दिमाग को भी तेज रखता है, तरोताजा रखता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं। इस तरह से एक एक करके सारे बादाम के छिलके हम निकाल लेंगे। बादाम के सारे छिलके निकालने के बाद इसको हम खसखस के साथ मिक्सर जार में पीस लेंगे। अब हम मिक्सर जार में सारे भीगे हुए पोस्ते के दाने को छिले हुए बादाम सहित मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। खसखस का दाना बहुत बारीक पिसा हुआ होना चाहिए और इसमें थोड़ा सा भी दरदरापन नहीं होना चाहिए। जितना ही पिसा रहेगा उतना ही अच्छा हलवा बनेगा। तो देखिए, हमने पीस लिया है खसखस के दाने को। अभी थोड़ा सा कम पिसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हाथ से ट्राई करते हैं, थोड़ा दरदरा सा है, इसलिए अभी हम इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे और फिर से इसे पीस लेंगे। अब कुछ ही सेकंड में हमारा खसखस का दाना पिस चुका है। देखिए, बिल्कुल बारीक सा दिखाई दे रहा है। इसे हम फिर से ट्राई करते हैं, बिल्कुल बारीक सा पिस गया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस जलाकर पैन चढ़ा दिया हमने और 1 चम्मच घी डाल दिया और ये 4-5 इलायची के दानों को हम छीलकर पाउडर बना लेंगे और इसे फिर हलवे में डालेंगे। घी हमारा पिघल चुका है। अब हम इसमें पिसे हुए बादाम और खसखस को डाल देते हैं। गैस की धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें खसखस को भूनना है। हमें गैस की फ्लेम तेज नहीं करना है, बिल्कुल धीमी फ्लेम पर पूरे टाइम हमें खसखस को भूनना है। देखिए, खसखस का रंग चेंज होने लगा है। खसखस बहुत चिपकता है। यदि नॉन स्टिक कढ़ाई ना हो तो इसे हमें खुरच खुरच कर भूनना पड़ता है और नॉन स्टिक में थोड़ा सा चिपकता नहीं है तो हमें भूनने में आसानी होती है। देखिए, खसखस बिल्कुल गुलाबी सा हो गया है। खसखस के दाने अपने पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। ये सर्दियों में बहुत ताकत और गर्मी देते हैं और यदि इन्हें न्यू मदर को दिया जाए तो ये बहुत ताकत पहुंचाते हैं। खसखस भून चुके हैं। अब इसे हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब हम सेम कढ़ाई को साफ करके गैस पर पुनः चढ़ा देते हैं और गैस जला देते हैं। इसमें हमने 1 कप दूध डाल दिया, 1/4 कप चीनी डाल दिया और इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम हमें धीमी ही रखना है। धीमी गैस पर यह हलवा बहुत अच्छा बनता है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से दूध हमारा बॉयल होने लगा है। अब इसमें हम भुने हुए खसखस को डाल देते हैं और इसे भी हम धीमी फ्लेम पर लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। चलाते चलाते ये गाढ़ा सा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और खसखस के दाने जब भुन जाते हैं तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। खसखस के हलवे को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि खसखस के पिसे हुए दाने को हमने लगभग 20 मिनट धीमी फ्लेम पर भुना था और अब हम दूध में डालने के बाद भी इसे लगभग 20 मिनट ही भुनेंगे। और हमने अब इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया और इसे अब हम लगातार चलाते हुए बना लेते हैं। देखिए, खसखस का हलवा पूरी तरह से बन चुका है। इसका दूध पूरा सूख चुका है
अब हम सर्विंग प्रोसेस पर आ जाते हैं, इसे सर्व करते हैं। जिन्हें नींद ना आने की प्रॉब्लम हो, यदि वे खसखस का हलवा खाएं, किसी भी तरह से खसखस को खाएं, तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हमने प्लेट में इस तरह से हलवे को निकाल लिया और इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, इससे इसमें और सिल्कीपन आ जाएगा। और कटे हुए बादाम से इसे गार्निश कर देते हैं। इस तरह से गर्मा गर्म खसखस का हलवा बनकर तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिए और यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।